हाल ही में मैंने देखा टाइगर श्रॉफ की फिल्म गणपत का ट्रेलर। बहुत टाइम से मैं इस फिल्म के बारे में सुन रहा था कि टाइगर श्रॉफ की एक फिल्म आ रही है गणपत, जो कि एक बहुत ही अलग फिल्म होगी। इसमें एक न्यू लुक में हमें जो है वो टाइगर श्रॉफ नजर आएगा, एक न्यू अवतार में हमें टाइगर श्रॉफ नजर आएगा। मैंने पूरा फिल्म का ट्रेलर देखा लेकिन मुझे कहीं पे भी टाइगर श्रॉफ न्यू किसी अवतार में नजर नहीं आए। पता नहीं फिल्म के मेकर्स ने ऐसा क्या सोच लिया, शायद टाइगर श्रॉफ ने इस फिल्म में एक दो चार जो छलांगे थी वो एक्स्ट्रा मारी होगी, या फिर कुछ एक्स्ट्रा एक्शन किया होगा जिस वजह से उनको नया उतार दिया हो गया हो। बट अब ये राज तो फिल्म के मेकर्स को ही पता। तो चले बात करते हैं फिल्म के ट्रेलर के बारे में। फिल्म का ट्रेलर देखने के बाद मुझे प्रियंका चोपड़ा की एक फिल्म आई थी जो कि लव स्टोरी 2050, उसके सीजीआई और वीएफएक्स इससे मुझे ज्यादा अच्छे लगे, क्योंकि फिल्म के ट्रेलर में बताया गया कि ये फिल्म जो वो 2070 की एडी की फिल्म है, यानी कि 2070 की, और 2070 में जो कुछ टेक्नोलॉजी होगी वो अभी फिल्म में दिखाने की कोशिश की। लेकिन वहां पे हमें कहीं पे भी सीन्स दिखाए गए, वो सीजीआई दिखाया गया, वो वीएफएक्स दिखाया गया, वहां पे हमें कुछ ऐसा इम्प्रेस नहीं कर रहा था। मतलब आप आगे के 100 साल की कहानी बता रहे हो लेकिन सब चीजें जो है वो 100 साल पुरानी दिखा रहे हो। फिल्म की कहानी जो है वो डिस्टोपियन स्टोरी के ऊपर बेस्ड है। डिस्टोपियन वर्ड जो मैंने पहली बार सुना, इसलिए मैंने गूगल किया, तब मुझे पता चला कि एक ऐसी सोसाइटी जहाँ पे हर चीजें जो है वो अनफेयर होती है गरीब लोगों के लिए, यानी कि एक अमीर लोगों की सोसाइटी और एक गरीब लोगों की सोसाइटी, जहाँ पे गरीब लोगों के लिए हर चीजें जो वो अनफेयर होने लगती है। अब ऐसे में ये जो गरीब लोग है वो अमीर लोगों से जीतने के लिए अपनी जिद्दोजहद से लड़ाई लड़ते हैं। अब इसी बीच एक ऐसा मसीहा आ जाता है जो अनफेयर चीजों को फेयर में बदलने लगता है, यानी कि गरीबों के साइड से लड़ने लगता है। तो देखिए ये जो फिल्म की कहानी है वो हम लोगों ने इससे पहले भी बहुत पुराने जमाने से देखते आए, तो पता नहीं कि गणपत फिल्म में फिल्म के मेकर्स और क्या नया दिखाने वाले। अब फिल्म का ट्रेलर देखने के बाद मुझे जो कुछ समझ में आया उसके बारे में बात करते हैं। जैसे कि फिल्म के ट्रेलर में बताया गया कि गणपत जो है वो इन गरीबों का मसीहा है, जिसे अपनी ताकत का अभी तक अनुमान नहीं है लेकिन धीरे धीरे उसे अपनी ताकत का अंदाजा आने लगता है। और ये फिल्म जो है वो ज्यादातर मुझे स्पोर्ट्स के साइड झुकती हुई नजर आ रही है, जहाँ पे कुछ ऐसा होगा कि एक अमीर लोगों का एक स्पोर्ट्स पर्सन और एक गरीबों की तरफ से टाइगर श्रॉफ लड़ेगा, और इन दोनों की लड़ाई में जो जीतेगा वही विजेता होगा। तो मतलब कि ये पूरी जो फिल्म है एक एक्शन पैड फिल्म होगी, जिस तरीके से ब्रदर्स फिल्म थी एक फाइटर की फिल्म थी, ठीक उसी तरह से ये फिल्म भी रहेगी। और यहाँ पे टाइगर श्रॉफ का नया अवतार हमें देखने मिलेगा, यानी कि नए कुछ और चार कूदने वाले सीन्स हमें देखने मिलेंगे, यही टाइगर श्रॉफ का एक नया अवतार होता है, ऐसा फिल्म मेकर्स कह रहे हैं। और तो और मैंने एक सीन देखा जहाँ पे टाइगर श्रॉफ जब हवा में ही एक ही बंदे को चार बार घुसे मारते, चार बार लात मारते, तो भाई यही तो है टाइगर श्रॉफ का नया अवतार। अब देखिए अभी जो कि फिल्मों की बात करें तो फिल्म में कुछ नयापन दिख रहा है, इसलिए फिल्म के मेकर्स ने भी सोचा कि हम भी हमारी फिल्म में जो कुछ नयापन दिखाएंगे। जैसे कि इस फिल्म को या फिर इस फिल्म की कहानी को दिखाने के लिए डिस्टोपियन यानी कि 2070 तक जाने की जरूरत नहीं थी, इस कहानी को आप 2023 में भी दिखा सकते थे। बल्कि वो चीजें जो वो आगे के दिखाने के चक्कर में आपको सीजीआई वीएफएक्स जो कि और भी ज्यादा बेहतर करना चाहिए था, यहाँ पे मुझे कहीं पे भी वो ज्यादा इतना कुछ खास लगा नहीं, यानी कि उस हद तक लगा नहीं कि इस फिल्म को मैं देखने के लिए थिएटर जाऊंगा। लेकिन फिर भी जाना तो पड़ेगा क्योंकि मूवी का रिव्यू करना है और आपको मूवी कैसे, ये भी आपको मैं जरूर बताऊंगा। तो दोस्तों फिल्म का ट्रेलर देखने के बाद जो कुछ समझ में आ गया उसके बारे में मैंने आपको बता दिया। अब आपने फिल्म का ट्रेलर देखा है तो आपको कैसा लगा ये आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, क्योंकि आपका एक लाइक हमें मोटिवेट करता है। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।